Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com. Diwali is round the corner and मेरा जो घर पे decoration का सामान पड़ा है Diwali का वो seriously upgrade करने वाला हुआ है तो क्यों ना इस बार मैं एक budget challenge लूँ यानी कि एक 500 रुपी challenge कैसा रहेगा 500 रुपीस के अंदर जो भी दिवाली से related mandatory चीज़ें हैं चाहे वो decoration की हो चाहे वो पूजा की हो वो मुझे 500 रुपीस के अंदर लेकर आना है Isn't that exciting? Yes, it is. तो चलो आज 500 रुपी चैलेंज पर निकलते हैं और देखते हैं कि 500 रुपए में मैं क्या क्या लेकर आ सकती हूँ सो मैं अब तैयार हूँ 500 रुपी चैलेंज लेने के लिए ये रहे 500 रुपीज जिसके अंदर आज मुझे सारी शॉपिंग करनी है दिवाली पूजा के लिए और घर की डेकोरेशन के लिए तो चलो देखते हैं मैं क्या ले पाऊंगी आज 500 रुपीस में चलो लेट्स गो सो इस समय हम लोग पहुंच चुके हैं बस्ती गुजा की मार्केट में जहां पे आपने देखे हैं ये सुंदर से स्टॉल्स लगे हुए हैं जहां पे आपको दिवाली की डेकोरेशन से रिलेटेड हर एक चीज मिल जाएगी ये कैसे भैया दिए सर ये 10 का एक सबके बताओ मेरे को प्राइस ये कितने का है ये कुछ दिए बहुत सुंदर हैं बहुत अच्छे डिजाइन वाले हैं तो लेट्स गो फॉर दीज वंस ये लक्ष्मी माता के पैर बने हैं मैं सीरियसली कंफ्यूज हो चुकी हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा व्हाट टू बाय एंड व्हाट नॉट बिकॉज इतना सुंदर है सब कुछ इतना ज़्यादा सुंदर है बाकी जो भी हम मिट्टी के दिए ले रहे हैं उसके साथ एक चौमुखी दिया लेना भी काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि दिवाली की जो पूजा होती है उसके अंदर हमेशा चौमुखी दिया जो है वो ज़रूर जलाया जाता है तो जो मोटा मोटा मैंडेटरी सामान है वो सारा मैंने ले लिया है उठा लिया है भैया ये भी रख लो कोई भी दिवाली की पूजा इनके बिना अधूरी है तो अब मैं लेने जा रही हूँ लक्ष्मी गणेश की मूर्ति जब दिवाली की सजावट की बात आती है तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है रंगोली और अगर आपको रंगोली बनानी नहीं आती आपको लगता है ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है तो इसके लिए भी कन्वीनियंट ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं जैसे कि ये स्टेंसिल इस स्टेंसिल की मदद से आप बहुत ही जल्दी घर पर रंगोली बना सकते हैं तो मैं भी ले लूँ एक अब चूज करते हैं इसमें से अच्छा डिजाइन कौन सा है दिस इज ब्यूटीफुल इजंट इट लक्ष्मी माता के पैर का डिजाइन है ये इसे मैं शॉर्टलिस्ट कर लेती हूँ एक हैप्पी दिवाली जो लिखा हुआ है उसे मैंने शॉर्टलिस्ट किया है एंड वन इज दिस आई गेस ये दोनों काफी सुंदर हैं तो ये रहे मेरे रंगोली कलर्स और स्टेंसिल तो मैंने 350 रुपये का सामान खरीद लिया है जिसके अंदर मैंने ये मिट्टी के दिए ले लिए हैं और काफ़ी सुंदर सुंदर डिज़ाइन हैं इसके अलावा भी और लगभग दर्जन से ऊपर दिए हैं 20 के करीब करीब दिए होंगे मिट्टी के ये लक्ष्मी गणेश की बहुत ही सुंदर सी मूर्ति ली है जिनके बिना दिवाली की पूजा बिल्कुल भी संभव नहीं है कम्प्लीट नहीं है और ये मूर्ति मुझे पड़ी है 120 रुपए की और ये ली है मैंने बाती जिसे हम ज्योत भी कह देते हैं एक बड़ा चौमुखी दिया ये सुंदर सा गमले की शेप का दिया इस तरह के जो गमले होते हैं इसमें ज़्यादातर लोग तुलसी का पौधा जो है वो लगाते हैं तो एक ये हो गया ये दो सुंदर से दिए हैं जो लक्ष्मी माता के पैरों की शेप में बने हैं जो मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगे ये एक पैकेट रंगोली का कलर्स जिसके अंदर 10 रंगोली के कलर हैं और मज़े की बात ये है कि ये रंगोली के कलर्स हैं जो सभी ये सभी ग्लिटर वाले हैं तो बहुत चमचमाती रंगोली बनाएंगे अब हम इसकी घर पर जाके एक ये फूलों वाले डिज़ाइन का मैंने स्टेंसिल खरीदा है और ये लक्ष्मी माता के पैरों वाला और ये सारा का सारा सामान जो है मैंने 350 रुपये में लिया है
अब चलते हैं अगली दुकान पर और लेते हैं थोड़ा सजावट का और पूजा का सामान। अंकल ये कैसे है, चीनी के खिलौने कैसे? आप 20 रुपए के कर दो, 20 रुपए के कर दो। ठीक है, थैंक यू अंकल। तो इस समय मेरे 370 रुपए जो हैं वो खर्च हो चुके हैं और ये चीनी के खिलौने और कुछ परमल और पतासे भी मैंने ले लिए हैं जो दिवाली की पूजा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो अब बारी है थोड़ा डेकोरेशन का सामान खरीदने की और ये है मेरी जो भी फाइनल चीज़ें हैं जो मैं खरीदने वाली हूँ। ये तोरण और एक ये शुभ दीपावली, ये लक्ष्मी गणेश के हार, एक फ्रिल ऐसे वाली फ्रिल और लक्ष्मी माता के पैर। थैंक यू। तो जो मेरी 500 रुपीज़ की बजट शॉपिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है। मैंने पहले 370 रुपये का जो था वो दिवाली का थोड़ा सामान मैंने खरीद लिया था जिसके अंदर मिट्टी के दिए जो लगभग 20 से ऊपर दिए मैंने खरीद लिए थे, चौमुखी दिया, एक वो क्यूट सा गमले की शेप में दिया था और लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, रंगोली के स्टेंसिल, रंगोली के कलर्स और उसके अलावा जो पूजा के लिए ज़रूरी सामान चाहिए होता है जैसे चौमुखी दिया और चीनी के खिलौने, परमल, पतासे, वो मैंने खरीद लिए। और उसके बाद मेरे पास बचे थे 130 रुपीज़ जिसके अंदर मैंने ये डेकोरेशन का सामान भी खरीद लिया है। तो मेरी 500 रुपीज़ की जो बजट शॉपिंग है दिवाली के लिए वो अब फाइनली कंप्लीट होती है। रोशन हो दीपक और सारा जहां जगमगाए, लेकर सीता मैया को राम जी हैं आए। हर शहर ऐसे लगे मानो कि अयोध्या हो, तो चलो आओ मिलकर हर द्वार, हर गली, हर मोड़ पर दीपक जलाएं। दीपावली के इस शुभ अवसर पे मैं आप सभी को यही संदेश देना चाहूँगी कि आजकल की लाइव्स को भले ही सोशल मीडिया ने टेक ओवर कर लिया हो, बट दीपावली के इस शुभ मौके पर अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर टाइम स्पेंड कीजिए और जितने ज़्यादा हो सकें उतने दिए खरीदिए, उतने दिए जलाएं, ताकि जो लोग दिए बनाते हैं उनकी दिवाली को भी हम हैप्पी दिवाली बना सकें। और जिस तरह दीपावली के शुभ अवसर पे हम अपने घर की सफाई करते हैं, उसी तरह अपनी सराउंडिंग्स को, अपने शहर को, अपने देश को साफ सुथरा रखें ताकि सही मायने में हम दीपावली को हैप्पी दीपावली कह सकें। न्यूज़ नंबर की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ।